वेलकम बैक द इंडियन रसोई। इंडियन रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल रस्से वाली बैगन बरी। जी हाँ दोस्तों, देखिए कितनी टेस्टी और लाजवाब दिख रही है। तो आइए शुरू करते हैं। बैगन बरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें बैगन और आलू इस तरह कटे हुए चाहिए। आप बैगन और आलू को धो के इस शेप में काट लें। अब हम इसे थोड़ी सी तेल और सरसों का फ़ौरन डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये जब हल्का ब्राउन हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए किस तरह से फ्राई कर लिया मैंने, अब हम इसे निकाल लेंगे। दोस्तों ये रेसिपी बहुत इजी होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी। अब हम बरी को भून लेते हैं। बरी को भुनने में किसी तरह का फ़ौरन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। हम इसे सिर्फ नॉर्मल सा सरसों तेल में फ्राई करेंगे। और दोस्तों ये उड़द की बरी है, मार्केट की नहीं, घर की बनी हुई। अब हम तेल डालेंगे और इसमें डालेंगे सरसों, साथ में डालेंगे थोड़ी सी और सरसों। ये जब चटक जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए प्याज भून चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मैंने कूट लिया था, साथ में मसाले, हल्दी, धनिया और मिर्च पाउडर। अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज करना है, क्योंकि बहुत लोग बैगन बरी तीखी खाने का मन होता है। साथ में सब्जी मसाला ऐड करेंगे और थोड़ी सी पानी। पानी ऐड करके हम अच्छे से इसे भूनेंगे। मसाले से जब तक तेल अलग ना हो जाए तब तक हमें भूनना है। ये देखिए दोस्तों मसाले का कलर चेंज हो गया। दोस्तों याद रखें, बैगन बरी में घर की बरी जो बनी होती है उसका यूज करें। और आपको घर में कैसे बरी बनाते हैं अगर इसका भी चाहिए रेसिपी तो हमें ज़रूर कमेंट करें। स्वाद अनुसार सब्जी में नमक डालेंगे। कुछ लोग कम, कुछ लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। अब हम भुनी हुई बैगन, आलू और बरी तीनों को एक साथ ऐड करेंगे ताकि ये तीनों मसाले को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। इसमें बस हल्का सा पानी मिलाना है, एक या दो चम्मच, ताकि ये मसाले को एब्जॉर्ब कर पाएँ सब्जियाँ। देखिए किस तरह से इसे 5 से 7 मिनट अच्छे से भुने। सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी कैमरे की मिस्टेक हो गई थी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये देखिए सब्जी, अब हम पानी इसमें ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करें क्योंकि बरी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। आलू और बैंगन तो बहुत जल्दी पक जाते हैं, पर बरी को पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम इसे कवर कर देंगे। लगभग 10 मिनट के बाद आप हमारी सब्जी देख सकते हैं कितना डिलीशियस, यम्मी दिख रहा है। और हाँ, ये लगभग हर घर में बनाया जाने वाला सब्जी है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट गरम गरम रोटी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैं इसके साथ रोटी ही सर्व करने वाली हूँ। ये देखिए बगल में मेरी रोटी भी तैयार हो रही है। ये देखिए मैंने रोटी तैयार कर लिया है। मेरा किचन थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए सॉरी दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा इसे अच्छा किचन बनने में।
अब हम सर्व करेंगे ये गरम गरम चपाती के साथ। बैंगन आलू बड़ी, हर इंडियन का फेवरेट, शायद ही कोई घर हो जहाँ लोग इसे पसंद नहीं करते हैं, तो आप भी एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें अपने घर में बना के, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और आप नेक्स्ट वीडियो में कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके हमें बताएं, और हमारी रेसिपी कैसी लगती है ये कमेंट करना ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।